वाड़ा एक एकदम छोटा गाँव है एकदम बेसिक सा गाँव है बहुत सारे लोगों को वाड़ा मालूम भी नहीं है उधर कैसा है ना बच्चे लोग काम करते हैं तीन चार महीना काम करते हैं उसके बाद जो भी पैसा आता है उससे वो आईफोन लेते हैं तो उनको मतलब वो क्रेज है मेरे को आईफोन लेना है मेरे को के बाइक लेना है हाँ तो मेरा एक एम ये बन गया कि उनको साइकिलिंग के बारे में नॉलेज देना है कम्युनिटी प्ले सच एम्पोर्टेंट रोल इन सोसाइटी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट कैसा है ना अभी विलेज में आप देखोगे ना तो साइकिल खाली दूध वाला भैया सब्जी लाना बस इसके लिए यूज होता है वी हैव वन सच इंडिविजुअल विद अस टुडे हु हैज बिल्ट अ कम्युनिटी इन द सिटी ऑफ वाडा ही इज कॉल्ड द साइकिल मैन ऑफ वाडा ही बॉट मोर जॉय एंड बॉट द स्पोर्ट ऑफ साइकिलिंग टू द सिटी ऑफ वाडा मैंने वाडा को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया इधर से इस गली से उधर निकलना उस गली से बाहर निकलना ऐसा चालू कर दिया मेरे को मालूम ही नहीं था कि वाडा इतना ब्यूटीफुल है तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि वाडा को साइकिलिंग विलेज करके ही मतलब इन फ्यूचर कोई बोलेगा तो वाडा इज अलिंग विलेज साइकिल हाँ। तो मेरे को ऐसा था कि वाडा में जितने भी मतलब बच्चे लोग है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको ये साइकिल मिलना चाहिए उनको ये साइकिलिंग के बारे में पता चलना चाहिए right, ताकि कल वो साइकिल खरीदे, साइकिल खरीदे इट इज आल्सो टूल फॉर एजुकेशन कैसा है ना जो हमारे पास बचपन में एनर्जी रहते है ना ah. अच्छे से यूज किया ना तो हम लोग टूर दी फ्रांस में जा सकते हैं Rising high. legends don't stop till they reach the sky. No shortcuts. It's about the work. No easy wins. Just a focused mind. No shortcuts. The journey not sleep. No shortcuts. Now hear them rise. Welcome, Ved. Thank you for being here today. It's great to have you in Flesh and Blood. Thank you so much, Parth. It's great to have you uh, at our Scott office and uh, today you know we are so excited to hear about your cycling journey okay you know over the years uh, we all have seen you on instagram and yes, other yes. social media accounts but nobody knows what's behind the ved <laughs> so no, no, no. take us back to your early days okay how did it all start to तो वाड़ा एक एकदम छोटा गाँव है एकदम बेसिक सा गाँव है बहुत सारे लोगों को वाड़ा मालूम भी नहीं है तो बचपन में मैंने साइकिलिंग बहुत की तो कैसा है ना सब लोग साइकिलिंग करते हैं बचपन में स्कूल जाते टाइम, टाइम, ट्यूशन जाते पर ज़्यादा मैंने बचपन में क्रिकेट खेला। वाडा में साइकिलिंग का कल्चर स्टार्ट हुआ जब मैंने ट्वेल्थ पास आउट किया जब मेरे पास पहला साइकिल आया तो साइकिल साइकिलिंग उस टाइम पे इतना ही था था नहीं खाली स्कूल में जाने के लिए साइकिल यूज करता था ट्यूशन में जाने के लिए साइकिल तो 12 के बाद मेरे को ऑप्शन दिया गया कि आपको आईफोन चाहिए कि साइकिल चाहिए हाँ तो मैंने सोच लिया कि मैंने सोचा कि आईफोन लेके तो मेरा कुछ यूज़ नहीं होने वाला है क्योंकि बहुत सारे मेरे मेरे फ्रेंड्स के पास आईफोन थी बुलेट थी तो मैंने भी सोचा कि यार चलो थोड़ा डिफरेंट लेते साइकिल लेते क्योंकि साइकिलिंग ना एज अ स्पोर्ट मतलब मैं स्पोर्ट में था तो मेरे को कुछ ऐसा स्पोर्ट के रिलेटेड लेना था तो मैंने बिना सोचे साइकिल ले ली तो मैं यहाँ पे एक शॉप है में में एडवेंचर करके तो वहाँ पे कमलेश है कमलेश वहाँ पे काम करता है तो उसने मेरे को साइकिलिंग के बारे में इतना नॉलेज दिया कि मेरा बजट था दस हजार रुपये साइकिलिंग का हाँ। साइकिल लेने का हाँ। तो मैंने साइकिल लिया थर्टी थाउजेंड का घर पे फोर्स करके तो उस टाइम पे थर्टी मतलब बहुत हो गया सही बात है यार थर्टी थाउजेंड का तू साइकिल ले रहा है इतना क्या है उसमें क्योंकि हमारे गांव में चार पांच हजार में साइकिल आ जाता था बेसिक साइकिल राइट हाँ। तो घर वाले आपके मान मान गए गए उन्होंने आपको साइकिल दे दी क्योंकि आईफोन हाँ। से तो सस्ता ही मिलने वाला था <laughs> तो चल अभी बोल रहा है तो ले लेगा फिर उनका ये भी क्वेश्चन आया कि तू कितना कि टाइम साइकिलिंग करेगा ठीक है ना तू साइकिलिंग करेगा आपने वाडा में कोई साइकिलिंग नहीं करता है तो तू अकेला कैसा साइकिलिंग करेगा तेरा इतना हाइट है तो मैं जब बचपन में था ये मेरे को बोलना है थोड़ा बचपन में था तो फोर रुपीज़ में एक घंटा साइकिल मिलती थी रेंट पे ओके okay. चार रुपया देकर तो हम लोग को पूरा दिन साइकिल लेके जाते थे तो उसी साइकिल पे मैं साइकिलिंग सीखा हमारा एक अंकल है उनका शॉप अभी भी है वैसा ही है ऐसा एकदम ऊपर पतरा वगैरह डाला है एकदम ऐसा ओल्ड टाइप रेट्रो टाइप शॉप तो हम लोग उनके पास से साइकिल लेते थे सब घूमने जाते थे तो वो जो बचपन का था ना वो मेरे को ट्वेल्थ के बाद भी याद था कि नहीं यार साइकिलिंग में कुछ है साइकिलिंग करना है मेरे को क्योंकि मैं ट्यूशन को जाता था तब भी साइकिल लेके जाता था मेरे एक साइकिल चोरी हो गई किसी ने मतलब चुरा ली तो वो साइकिल का भी एक अच्छा स्टोरी था मैं सिक्स स्टैंडर्ड में था एंड मेरे को एक ऑब्वियसली मतलब जो बचपन का प्यार बोलते हैं ना वैसा साइकिल था बचपन का प्यार साइकिल था हाँ बचपन का प्यार साइकिल था और मेरे को एक ट्यूशन में लड़की पसंद आ गई थी <laughs> अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग है आप बताओ बारे में ये लड़की पसंद आ गई थी आ। तो मैं एकदम शर्ट वेट पहन के साइकिल वगैरह एवरी डे में साइकिल वॉश करता था उसके okay. सामने से जाता था ऐसा स्टाइल वगैरह मारता था तो ऐसा सब चालू था वो भी हंसती थी वगैरह ट्यूशन में हम एक दूसरे को देखते थे एक दिन मैंने फुल जीन्स पहनी थी ठीक है हम लोग ट्यूशन को जा रहे थे एंड वो इधर से आ रहे थे मैं इधर से जा रहा था ट्यूशन को जाके हम वापस में घूम के आ रहा था हाँ। ऐसे स्टाइल मारने के लिए उसके सामने <laughs> <laughs> मेरी पैंट चेन में अड़क गई okay. नीचे पेडल में हाँ हाँ। और मैं डायरेक्ट उसके सामने ऐसा फेंक गया <laughs> अब गिर गया उसके चरणों में गॉड <laughs> <laughs> मेरी साइकिल इधर में उसके डायरेक्ट चरणों में चला गया बस खत्म उसके बाद मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं अच्छा वो हंस के चली गई मैं मतलब शर्मिंदा हो गया यार अभी इसको मैं कैसा बोलूँ कैसे उसके पास देखूं तो मैं okay. थोड़ा वो सामने से आती थी, थी थे उसके बाद मैंने उसको okay, okay. तो उस हार्ट ब्रेक भी हो गया था जब आपने स्टार्ट किया, sure कि काफी लोग उसके अगेंस्ट थे स्टोरी क्या लोगों ने आपको रोका साइकिल आगे परस्यू करने के लिए कैसा है ना अभी विलेज में आप देखोगे ना तो साइकिल खाली दूध वाला भैया सब्जी लाना बस इसके लिए यूज़ होता है तो मैंने जब साइकिल लिया मेरा पहला फायर फोर्स का साइकिल था जो मैंने थर्टी थाउज़ेंड का लिया था जो कि मेरे लिए बहुत था तो मैंने जब साइकिल लिया तो गांव में बाकी के सब लोग देखने के लिए आए थे यार थर्टी थाउजेंड का साइकिल लिया है वेद ने वाड़ा में कौन सा ऐसा साइकिल है चलो देखने जाते क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं था कि इतना प्राइस होता है साइकिल का एम माउंटेन बाइक मतलब रोड बाइक्स ऐसे भी साइकिल्स रहते तो सब देखने आए थे तो मैंने जब साइकिलिंग स्टार्ट किया तो मेरा हाइट बहुत था उस टाइम पे भी तो मेरे को लोग बोलते थे कि यार तेरा तो पहले से हाइट इतना है तो अभी तू साइकिल क्यों लिया है तेरे को हाइट और बढ़ाना है मतलब ऐसा टाउंट मारते थे हाँ, हाँ क्यों साइकिलिंग करेगा तेरा भी इतना एज है तू छोटा नहीं है तो मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया तो उसके बाद मेरा साइकिलिंग थोड़ा स्टॉप हो गया पर फिर भी मुझे तो साइकिलिंग करना ही था मुझे तो मतलब जाना ही था एक्सप्लोर करना ही था ट्रेल एक्सप्लोर करना था तो मैं सैटरडे संडे चला जाता था तो धीरे धीरे साइकिलिंग बढ़ती गई उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है निखिल वो मेरे साथ आया तो हम दोनों साइकिलिंग के लिए जाते थे तो पहले खाली मैं फोर फाइव किलोमीटर साइकिलिंग करता था सेवन किलोमीटर्स हाँ तो उसके बाद जैसे जैसे मेरे को मतलब उसकी आदत पड़ती गई तो मैंने अवॉइड करने शुरू कर दिया कि यार लोग तो बोलने ही वाले करेक्ट लोग तो बोलने ही वाले मैंने इतना अभी साइकिल लिया तो मेरे तो चलाना ही है तो मैंने वाड़ा को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया hmm. इधर से इस गली से उधर निकलना उस गली से बाहर निकलना ऐसा चालू कर दिया <coughs> तो स्टार्ट में मेरे को सेवन किलोमीटर्स मतलब बहुत लगता था अभी मेरे वाड़ा से एक तिलसा करके गांव है जहाँ के शिव का टेंपल है तो मैं उधर जाता था उधर से रिटर्न हो जाता था और मैं गांव में आके बोलता था यार मैं साइकिल से उतना दूर गया था <laughs> तो उतना दूर मतलब ओनली सेवन किलोमीटर राइट राइट तो ये सब बचपन में था सही बात है अब थोड़ा हमें वाड़ा के बारे में बताइए

पर अगर आप साइकिल लेके आते हो तो आपके लिए वाड़ा हेवन है ओ, हाँ, अगर आप एम भी लेके आते हो तो वहाँ पे इतने ट्रेल से इतने ट्रेल से कि आप कोई भी ट्रेल में घुस जाओ बस आप उधर से बाहर ही नहीं आओगे तो आफ्टर ट्वेल्थ मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया मेरे साथ निखिल था निखिल मुकने उसका नाम है धीरे धीरे हमने डिस्टेंस बढ़ाया टेन किलोमीटर्स ट्वेल्व किलोमीटर्स तो हमने डिसाइड किया कि वाड़ा से एक फोर्टीन टवेल्व किलोमीटर्स पर एक वाटरफॉल है ओगदा वाटरफॉल तो आज जाके ट्वेल्व नहीं ट्वेंटी वन किलोमीटर पर एक वाटरफॉल है उस वहां पे जाना है और रिटर्न आना है हमारा फर्स्ट लॉन्ग राइड था ओके okay. का नहीं ट्वेंटी नहीं, 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 okay, okay. तो टोटल तो हुआ 44 फोर्टी फोर किलोमीटर फोर्टी टू ऐसा किलोमीटर था हमें कुछ आइडिया ही नहीं हमने कभी साइकिलिंग किया ही नहीं था इतना कि हम लोग इतना दूर जा पाए हेलमेट का मालूम नहीं <laughs> शूज क्या पहनना है मालूम नहीं कपड़े क्या पहनना है मालूम बस नहीं बस साइकिल लेके लेके निकल पड़े। निकलना है अपने को उधर जाना है उधर से वापस रिटर्न आना है हाँ। हम चार बजे निकले हमको मालूम ही नहीं कितना टाइम लगने वाला है कितना टाइम नहीं लगने वाला है और अभी हमारा कैसा है ना थोड़ा हिली एरिया है तो फाइव टेन किलोमीटर के बाद ना पूरा क्लाइम चालू हो जाता है तो हम लोग मतलब वाटरफॉल तक पहुंचते पहुंचते पूरे डेढ़ हो गए थे डेढ़ मतलब हमारे लेग्स मतलब पूरे शिवर करने लगे थे <laughs> okay. पूरा बॉडी हमने गिव अप कर दिया था तो ऑलमोस्ट छह बज गए थे अंधेरा पड़ना शुरू हो गया था पर हमको कैसे ना पूरे रास्ते हमको मालूम थे कि कहाँ पे खड्डा है hmm. कहाँ पे रोड खराब है तो वो अंदाज लेके हम लोग जा रहे थे रिटर्न जर्नी के लिए hmm. तो क्या हुआ आ, मैं आगे था पूरा अंधेरा मतलब ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट ही दिख रहा है ठीक है तो मैं आगे जा रहा था मेरे को मालूम है कि इधर खड्ढा वगैरह कुछ नहीं है तो मैंने गया मेरी साइकिल बाउंस हुई एकदम जोर से बाउंस हुई तो मैं शौक हो गया इधर तो खड्डा वगैरह कुछ नहीं तो बाउंस कैसे हुई तो मैंने रुक के देखा निखिल पीछे था बहुत पीछे था तो इतना जाड़ा साफ रोड क्रॉस कर रहा था गॉड oh और उसके ऊपर से मेरी साइकिल बाउंस हुई थी गॉड oh तो मैं मतलब उस टाइम पे बस <laughs> कि भाई इधर से पूरा अभी भागना है क्योंकि <laughs> तो मेरा पूरा बॉडी में तो कुछ ताकत ही नहीं थी राइट right. वो देखा उसके बाद पूरी ताकत आ गई फटाक से वाड़ा उधर रुका मैं निखिल को बोला हाँ। निखिल थोड़ा धीरे से आ इधर हाँ। ऐसा ऐसा है बस तो उधर से हमारी जर्नी चालू हो गई ट्रेल्स एक्सप्लोर करने की तो उसके बाद लॉकडाउन शुरू हुआ तो लॉकडाउन में तो मतलब हमारे में तो सब कुछ बंद था एंड हाँ। uh, सब कुछ बंद था बाकी लोगों के लिए अच्छा हमारे लिए सब ओपन था राइट राइट क्योंकि जंगल तो पूरे हमारे पास ही थे पूरा नेचर आपके बस में है। तो लॉकडाउन में जो भी है स्टोरी मेरी वो सब बाहर आई mm -hmm. उसके बाद ट्रेल ब्लेजर्स का पेज ओपन हुआ सो लेट्स कम टू ट्रेल ब्लेजर्स नाउ यू नो सो यू अप टू गो टू स्कूल आप स्कूल जाते थे एंड देन ट्वेल्थ के बाद अपने आपकी फर्स्ट साइकिल ली एंड देन आपने स्टार्ट किया फिर लॉकडाउन हुआ लॉकडाउन में आपने आपका कम्युनिटी स्टार्ट किया एंड आपको फोटोग्राफी भी पसंद आप पहले मैंशन कर रहे थे तो कैसे वो दोनों चीज़ साथ में आई और आपने वाई डिड यू स्टार्ट ट्रेल ब्लेजर्स सी मेरे को फोटोग्राफी का शौक बचपन से था तो मैंने वन ईयर का फोटोग्राफी का कोर्स भी किया ओके okay. हाँ तो मैंने सोचा कि मेरे को पेज बनाना है फोटोग्राफी का मेरी फोटोग्राफी की स्किल मेरे को उस पर डालनी है मेरे के फोटोज डालने उस पर तो मैंने सोचा कि साइकिल का पेज बनाता हूँ और उस पर मेरी मेवरी Re फोटोग्राफी शो करता हूँ तो मैं तो साइकिलिंग करता ही था तो मैं जहाँ पर भी जाता था फोटोज निकाल के डाल देता था तो थर्ड जून मतलब वर्ल्ड बाइसिकल डे राइट टू को मैंने ट्रेल बिजस पेज ओपन किया मैंने बहुत नेम सर्च किया क्या नेम रखूँ क्या नेम रखूँ तो थोड़ा ट्रेल ट्रेल के रिलेटेड मेरे को नेम रखना था तो मेरे को ट्रेल ब्लेजर्स नाम अच्छा लगा तो मेरे को भी पहले बोलने में थोड़ा डिफिकल्ट होता था ट्रेल ब्लेजर्स ट्रेल ब्लेजर्स वाड़ा में ट्रेल बाजार बोलते थे ट्रेल ट्रेल बाजार 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 भी इतने सारे ट्रेल तो ट्रेल बाजार से सब लोग जान रहे थे तो लोगों को पहले नाम हार्ड लगता था तो अभी सब लोग इजिली नाम लेते हैं ट्रेल ब्लेजर्स वगैरह तो ट्रेल बेज़ पेज मैंने ओपन किया और मैंने फ़ोटो डालना शुरू कर दिया तो मेरे फोटोज़ इतने अच्छे थे कि लोगों का ऐसा लगता था कि ये फ़ोटोज़ इसने गूगल से लिए और पोस्ट कर दिए ओह तो बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते थे हम लोग लोगों को मैसेज करते थे कि हम लोग कल राइड को जा रहे हैं आप आ जाओ वगैरह तो लोगों को झूठ लगता था कि यार ये तो कोई फेक पेज है फेक फ़ोटो किसी ने डाउनलोड किए गूगल से पेज पर डाल दिया और अपने को मैसेज कर रहा है तो ऐसा हुआ था पर धीरे धीरे क्राउड आना शुरू हो गया क्योंकि कैसा लॉकडाउन में सब लोग घर पे थे hmm. और हम लोग खाली साइकिलिंग करते थे <laughs> तो लोगों को देख कर ना थोड़ा ऐसा जलन होता था right, right. राइट ये साइकिलिंग कर कर करना है अपने का काफी स्पाइक हुआ गो आउट एंड दे वॉज दैट इज वन यू नो पीपल ऑल्सो सॉ साइकिल एज अ मीडियम टू एक्सप्लोर दउटडोर्स टिलो र्स देर वॉर्ज अ वेरी स्लिम Uh, community, slim part of the country which knows cycling as a sport. But until then, it is only as a mode of commute or as a mode of business or to go from point A to point B. You know, so that angle of using a cycle also as a mode to explore the nature on a you know one-on-one -on -one basis or something which uh, you were trying to put out via your images, your videos uh, from your Instagram handle, uh, Trailblazers Community. Yes, yes. So. हमने पहले वीडियो क्रिएट किया मैंने और निखिल ने साइकिलिंग का वीडियो हमने वो पोस्ट कर दिया उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए बहुत सारा रीच आया बहुत सारे लोगों ने देखा वाड़ा के लोगों ने तो मेरे को मैसेज आना शुरू हो गया वेद मेरे को साइकिल देना है <laughs> कौन मैसेज करता था ये लोग कौन लोग हैं सब मेरे ही फ्रेंड्स थे वाडा okay. के लोग थे okay. वाडा के लोग जो के मेरे लो को नाम देते थे पहले दे कि यार तेरी तो इतनी हाइट है तू क्यों साइकिलिंग कर रहा है आ, जो अभी वो लोग मेरे को कर रहे हैं मुझे भी साइकिलिंग करना है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है ना सब ऑप्शन ही नहीं है सब बंदे राइट सब बंद है तो थोड़ा इंजॉयमेंट के लिए तो कुछ बाहर निकलना ही है तो साइकिलिंग करते है तो वो लोग मेरे को मैसेज करना शुरू करो कि वेद मेरे को अभी साइकिल लेना है कौन सा साइकिल लूँ वगैरह तो मैं बोल देता था, था कि आपका बजट कितना है मेरे को बताओ मैं आपको साइकिल ले कर दूँगा तो लॉकडाउन में मैंने ऑलमोस्ट फिफ्टी लोगों को साइकिल ले दिया है मैं खुद उनके साथ जाता था ठाने कोविड वगैरह सब साइड में क्योंकि वो मेरे को उसमें से मतलब हैप्पीनेस मिलता था कि यार ये अच्छा साइकिल ले रहा है बहुत सारे लोगों ने तो मेरे से भी अच्छा साइकिल ले लिया फोर्टी फिफ्टी थाउजेंड का साइकिल ले लिया तो ऑलमोस्ट लॉकडाउन में फिफ्टी लोगों ने साइकिल लिया सब हमारे गाँव के बच्चे लोग थे फ्रेंड्स थे अंकल लोग थे हम लोग डेली साइकिलिंग को जाते थे तो जो जर्नी है ट्रेल बेजस की वो लॉकडाउन से शुरू हुई तो जितने भी आए साइकिलिंग को और बहुत सारे मुंबई पुणे के लोग आए थे वाड़ा में रहने के लिए जिनके फार्म हाउस है उन्होंने हमें मैसेज किया कि हमको भी आना है आपके साथ साइकिलिंग करना है और कैसा है ना उस टाइम पे रील्स आया था इंस्टाग्राम पर रील्स का ऑप्शन फॉर्मेट तो हम लोग रील बना के अपलोड कर देते थे फटाफट आज राइड को गए आज एक रील दूसरा कल रील एवरीडे हमारे रील अपलोड होते थे तो लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता था कि यार वाड़ा इतना ब्यूटीफुल है हमको भी उधर जाना है साइकिलिंग करना है तो वहाँ से ट्रेल वेल्स का रीच बढ़ता गया फॉलोअर्स बढ़ते गए ऐसे कुछ मैसेजेस आप हमें बताइए जो विच वॉज वेरी वाव फॉर यू यू नो हाँ 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 एक पिलियन बॉन्ड करके साइकलिस्ट है जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब एम टी बी राइडर है।, right. बहुत सारे भी उसने है तो मैंने एक ट्रेल का वीडियो डाला था तो उस पर उसने कमेंट किया था oh. कि मैं जब भी इंडिया में आऊंगा मैं इस ट्रेल पे आऊंगा oh my God. <laughs> तो मेरे लिए मतलब वो इतना बड़ा था कि यार hmm. वे तू जो कर रहा है ना उसको तेरे को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ah. तेरे पास अच्छा क्राउड आ रहा है ah. सी तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि वाडा में वाडा को साइकिलिंग विलेज करके ही मतलब इन फ्यूचर कोई बोलेगा right. तो वाडा इज विलेज बस ये जर्नी को आगे तक जा रही है बहुत right. सारे right. लोग जुड़ रहे है। like from nature, कि सोचा भी नहीं था कि मेरे को ऐसा कुछ करना है मेरे को पेज yeah. बनाना है कम्युनिटी right. बनाना है वो ऑटोमेटिकली हो गया और मेरे को भी इतना मालूम नहीं था साइकिलिंग के बारे में साइकिलिंग क्या होता है कैसा होता है एवरेज स्पीड क्या होता है करेक्ट करेक्ट जो भी है साइकिलिंग के रिलेटेड कुछ मालूम नहीं था यूट्यूब पर गाइड तो करता था उनके पंक्चर निकालता था साइकिल चैन कैसा चैन साफ कैसा करना है पेज पर कम्युनिटी you know, को और साइकिलिंग के बारे में बताने के लिए आपने खुद पहले स्टडी किया एंड आपने वो आपके मीडियम चैनल के थ्रू उनको एजुकेट किया सेफ्टी इक्विपमेंट क्या होना चाहिए साइकिल yes, yes. तो ये सारे काफी जो टूडेक्ट है sport, hmm. उसमें आपने काफी एज अ मीडियम यूज किया yes, yes, yes. बहुत 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 क्योंकि कैसा है ना वाड़ा में जितने भी मतलब लोग हैं ना वो ज्यादा रिच नहीं है hmm. तो वो जो साइकिल लेते थे ना तो उनका बजट रहता था टेन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड और ये जो साइकिल है ना ये मतलब हार्ड टेरेन पर नहीं चला सकते ज्यादा ऑफ रोड नहीं कर सकते पंक्चर हो जाते थे हैंडल निकल जाता था उसके लिए बना पीछे, ही नहीं हाँ पीछे right. के टायर निकल जाता था बट right. फिर भी हमारा चालू था हमने क्या किया हमने जो वॉल्स रहते वॉल्स पेंटिंग चालू करना शुरू कर दिया ओके लाइक वॉल वॉल पेंटिंग वॉल पर अ ट्रेल विद अस का बनाने का अच्छा। कुछ मैसेज डाल देने का मेडिसिन मत लो साइकिलिंग करो आपके पैसे बच जाएंगे तो ऐसा हमने सब चालू कर दिया हमारे न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ गई <laughs> कि वाडा में बच्चे <laughs> लोग पागल हो गए ये साइकिलिंग कर रहे हैं मतलब राइट राइट सब अच्छा ही हो रहा था तो ऐसे सब जर्नी चालू है <laughs> तो आज लॉकडाउन ट्वेंटी में हुआ था एंड so फॉलो है करते हैं हाँ, तो, wow. okay. तो मैं जो भी रील डालता हूँ वो बहुत सारे लोग शेयर करते हैं उस हाँ, पर रीच बहुत आता है व्यूज हाँ, बहुत हाँ. आते सो मेन रीजन यही है कि लोगों को जो मैं दिखाता हूँ ट्रेल्स सनसेट सनराइज वो लोगों को अच्छा लगता है आई थिंक हम लोग मेजोरिटी पीपल जो इतने शहरों में रहते हैं यू नो दे आर अ सकर फॉर न्यू रोड्स टू राइड अभी हम लोग भी यू नो वी डू योर एवरी डे आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर न्यू ट्रेल्स अरे यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं ये एक्सप्लोर करते हैं यू यू नो तो एंड विदाउट विदाउट हैविंग हैविंग मच मच इंटरनेट ऑफ स्ट्रावा गूगल मैप्स विद योर फ्रेंड यू यू नो काइंड ऑफ द इनसाइड ऑफ बाड़ा लाइक एंड यू नो इट इज वेरी एक्साइटिंग

वो कितने भी दूर जाने दो ट्रेल oh जाना ही है तो हमने वो ट्रेल फॉलो किया तो ट्रेल अंदर जाके मिला हमको पांच ट्रेल मिल गए okay. एक से पाँच हाँ, एक हाँ. से पांच हो गए हाँ. और वो पांच ट्रेल ऐसे थे ना कि जिसको आप बाइक पार्क बोल सकते हो oh. तो हमने उसको बाइक पार्क नाम दिया तो इन फ्यूचर में उधर बाइक पार्क बनाने वाला हूँ okay. और वो इतना अच्छा है बाइक पार्क वही जो मैंने आपको बोला ना किलियन बोन हाँ उसका हाँ ही मैंने वीडियो डाला था वो बाइक पार्क का ओके okay. हाँ, वो नेशनल बाइक पार्क जो इट इज साइक् विलेज एंड यू आर यू नो स्पीय इंडिया पार्को फ्रॉम वाड़ा नहीं बनाने का तो है ही मेरे को एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं मैं और सुमित ऐसे ही राइड कर रहे थे हाँ। पाँच बजे हमने राइड शुरू कर दिया सुबह बजे इवनिंग में इवनिंग okay. में पाँच बजे राइड शुरू कर दिया हम मोस्टली ऑफ रोड ही करते अगर आपको ऑफ रोड का चस्का लग गया ना <laughs> तो आप रोड पर साइकिलिंग कर ही नहीं सकते यश yes. तो हम लोग देख रहे थे किधर जाना है हमारे सब ऑफ रोड हो गए थे सब ट्रेल हो गए थे हमको एक ट्रेल दिखी हमने टर्न मार दिया अंदर जाने का है जिधर भी जाएंगे उधर निकलेगा हमने मैप चेक किया तो कुछ टेन किलोमीटर की ट्रेल थी इधर okay. से उधर कनेक्ट करते थे uh -huh. मेन रोड को तो हमारा कैसा था ना दो घंटा साइकिलिंग थर्टी मिनट्स साइकिलिंग के लिए थर्टी मिनट साइकिलिंग के लिए मतलब हमारा ट्रेल मतलब हमारे एवरी राइड में एक तो पंचर होता ही था oh. तो पंचर निकालने में आधा घंटा जाता था uh -huh. तो रात हो जाती थी तो कभी कभी कार बुलाना पड़ता था कि हमको लेने के लिए oh तो हमने थर्टी मिनट्स साइड में ही रख दिए थे हमने चालू कर दिया ट्रेल अंदर गए अंदर गए अंदर गए आठ किलोमीटर हो गया बीच में हमको एक अंकल दिखे अंकल को पूछा कि और कितना दूर है ट्रेल <coughs> तो उन्होंने बोला कि एक किलोमीटर में जाके आपको मिल जाएगा मेन रोड मिल जाएगा तो हमने बोला चलो ठीक है जाते अभी तो बाहर ही निकलना है हाँ। अंदर अभी हो रहा है साढ़े बज गए हम लोग गए घूम के वापिस उधर ही आए ओ वो हमें ट्रेल दिखाई नहीं वापस हाँ, कोई मेन रोड दिखाई नहीं गए वापस घूम के उधर ही आए सेकंड टाइम गए घूम के वापस उधर ही आए हमको पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है oh तो मराठी में उसको बोलते हैं चकवा अब क्या करना है हाँ। अब क्या करना है इधर से कैसे बाहर निकलेंगे तो थर्ड टाइम हमने वापस लिया थोड़ा सोचा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है हमने टर्न लिया वापिस उधर ही आ गए चौथी बार थर्ड टाइम थर्ड टाइम वापिस उधर ही आ गए उधर नेटवर्क नहीं रहता है तो आप गूगल मैप पर भी नहीं देख सकते हो कि हम किधर जा रहे हैं ठीक है चौथी बार हम लोग गए मैं भी मतलब पूरा डर गया था डार्क हो रहा था अब क्या करना इधर से बाहर कैसे निकलना है रिवर्स नहीं जा सकते टेन किलोमीटर्स वापिस चढ़ना वापिस जाना उसमें तो मतलब नौ बज जाते थे जाना है तो अपने तो मेन रोड से ही जाना है तो हमने देखा थोड़ा शांति से लिया जहाँ पे नेटवर्क आता है थोड़ा उधर रुके अच्छा। नेटवर्क आने तक रुका तो हमने देखा कि इधर से इधर मेन रोड है ट्रेल वगैरह कुछ नहीं थी

वैसा ऐसा एक एक्सपीरियंस था इफ यू लिसन टिल आई एम श्योर यूर द कॉन्वर्जेशन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आर चैनल और फॉलो द नो शॉर्टकट्स पॉडकास्ट ऑन दी लॉक मीडिया ऐप एपल पॉडकास्ट एंड स्पॉटिफाई, सो दैट यूर अपडेटेड विद ऑल द फ्रेशेंट बी पुट आउट नॉन हैज बैक टू दॉडकास्ट तो अब ये ट्रेल ब्लेजर्स के बारे में हमने बात करी काफी <laughs> uh, पिछले तीन चार सालों में आपने साइकिल्स अपने अपने कम्युनिटी को साथ में लेके गए <laughs> आपको आपके एस्परेशन क्या है आपको क्या सोच विचार आया कि मुझे अरे ये भी करना चाहिए ये भी करना चाहिए एंड उसको आपने चैनलाइज कैसे किया कि नहीं मुझे कम्युनिटी को आगे लेके जाना है okay. या मुझे ये करना है यू नो वट वॉट फिल्टर्स डिड यू अप्लाई और वॉट डिसीजन डिड यू टेक ऑन अ पर्सनल लेवल कि ओके साइकिलिंग दस सो मच टू डू बट आई विल डू दिस हाउ डिड यू कम एंड जीरो डाउन इन टू वॉट यू डूंग टू डे जब मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया तब तो मेरे को ऐसा कुछ एम नहीं था हाँ कि मेरे को साइकिलिंग करके इधर पहुंचना है मेरे को रेसेस में जाना है राइट नॉर्मली साइकिलिंग करता गया तो जैसे जैसे मैंने साइकिलिंग करता गया करता गया करता गया मेरे को उसका मतलब नॉलेज आधा गया हुँ, हुँ. कि रेसेस क्या होते हैं साइक्लोथन क्या होता है हेलमेट शूज कौन सा लेना है हेलमेट कौन सा लेना है जर्जीज कौन से पहनने हैं तो वो सब मेरे को नॉलेज आ गया था ऑलमोस्ट तीन चार साल में तो उसके बाद मैंने लिया स्कॉट का साइकिल ओके तो हम हम हमारा मतलब बचपन में एक ड्रीम था कि स्कॉट ट्रेक ये मतलब बस अपने बस की बात नहीं ये खाली ड्रीम बाइक से हमारे तो स्कॉट का साइकिल जैसे ही मैंने लिया तो बस मैं मतलब एक प्रोफेशनल एम टी राइडर जैसा बन गया था <laughs> एकदम साइकिल उड़ाने वगैरह लग गया ओके okay, okay. तो मेरा कैसा था ना ये साइकिलिंग सिर्फ मैं ही करता था मैं और मेरे जो बच्चे लोग हैं मतलब हमारे फ्रेंड्स से वही करते थे तो मेरे को ऐसा था कि वाडा में जितने भी मतलब बच्चे लोग हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको ये साइकिल मिलना चाहिए उनको ये साइकिलिंग के बारे में पता चलना चाहिए उधर कैसा है ना बच्चे लोग काम करते हैं तीन चार महीना काम करते हैं उसके बाद जो भी पैसा आता है उससे वो आईफोन लेते तो उनको मतलब ओ क्रेज है मेरे को आईफोन लेना है मेरे को के बाइक लेना है हाँ तो मेरा एक एम ये बन गया कि उनको साइकिलिंग के बारे में नॉलेज देना है राइट ताकि कल वो साइकिल खरीदे साइकिल खरीदे क्योंकि उनके पास जो स्ट्रेंथ है ना वो अपने पास नहीं है मतलब मतलब इसका मतलब? मेरा जो कोर है मेरे जो लेग्स है मतलब स्ट्रॉन्ग ठीक है, है, है उनकी जो इम्यूनिटी पावर है मेरी इम्यूनिटी पावर है आपकी इम्यूनिटी पावर है उनकी इम्यूनिटी पावर को किसी की तोड़ नहीं क्योंकि वो गांव तो क्यों, के मिट्टी के हाँ, बने। वो खेती हाँ, करते हैं खेती करते हैं समर में खेती करते हैं विंटर में खेती करते हैं मॉनसून में खेती करते हैं तो उनका जो कोर है उनका जो पूरा खाना है देखा ही नहीं है मोस्टली साइकिलिंग ही प्रमोट करता हूँ मैं जब भी जाता हूँ गाँव में साइकिलिंग करने के लिए तो उधर जो बच्चे लोग रहते हैं ना उनको मैं मेरी साइकिल चलाने को देता हूँ की ये साइकिल लो एक राउंड मार के आओ राइट राइट तो उनको भी अच्छा लगता है

एज अ करियर भी देख सकते हो mm -hmm. क्रिकेट तो बहुत सारे लोग खेलते हैं right, अगर right. आप साइकिल को लेते हो सीरियसली तो इन फ्यूचर आप कुछ अच्छा कर पाओगे Definitely. क्योंकि कैसा है ना जो हमारे पास बचपन में एनर्जी रहती है ना ah. अच्छे से यूज किया ना तो हम लोग टूर फ्रांस में जा सकते हैं <laughs> मैं बोलता हूँ अगर मेरे को बचपन में साइकिलिंग का गाइडेंस मिलता ना तो मैं, मेरा पूरा बचपन वाडा में ही गया राइट बहुत बहुत खेलता था, खेलता था था कितना भी धूप आने दो मैं क्रिकेट खेलता ही था आहा, तो उस टाइम पे अगर मैं साइकिलिंग सीखता ना फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में तो आज मैं मतलब बहुत दूर तक चला जाता मैंने साइकिलिंग चालू किया अभी पाँच छह तो वही है तो मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं उनको देता हूँ उनको डायरेक्शन देता हूँ कि आप साइकिल लो साइकिल लेने के बाद आपका करियर अच्छा बनेगा आप उसको एज अ करियर ले सकते हो एज अ एजुकेशन भी दे सकते हो यू नो दैट दैट वे दिस क्वालिटी ऑफ योर यू नो कि जो मैं नहीं कर पाया या मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिले ऐसा ऐसा बट मैं आज मैं मेरे शहर के बच्चों को देना चाहता हूँ मेरे गांव के लोग उनको बताना चाहता हूँ ताकि कल वो बने सो दिस क्वालिटी इज ऑफ अ कम्युनिटी लीडर विच यू नो वी ऑल अपलोड ऑफ एंड दैट यू हैव रियली इंस्पायर्ड एंड इंस्टिगेटेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन वाडा एंड आई एम श्योर हियरिंग योर स्टोरी A lot of other people who are in Tier 3, Tier 4 cities are going to know about this and you know say that cycle. Exactly. And that cycle is going to transform his life. Because yes. a bicycle is a tool for the mind, it is it is a it is a, a machine or a tool to explore the outdoors, which also has health benefits and it's so much good on the mental health also. Yes, yes, exactly. You know, so that quality of yours is very endearing and you have uh, you know, played a strong part in the community and today with the Trailblazers, you are, you know, setting the right tone yes. and inspiring a lot of people uh, via that. And now let's move on to the next uh, leg in our conversation. Hmm. Uh, tell us a little bit about the Junoon Foundation, which okay. uh, you started. I don't know when you started. Okay, okay. I just know that you also had a bicycle project. Am yes, I right? Yes, yes. The bicycle right, project. Right. The bicycle project, right. Walk us through the entire uh, this दिस एन जी ओ दैट यूर रनिंग सी एन जी ओ मैंने अकेले ने ओपन किया मेरे से बहुत बड़े मतलब फ्रेंड्स हैं उन्होंने एन जी ओ ओपन किया उन्होंने जब एन जी ओ ओपन किया तब मैं इलेवंथ स्टैंडर्ड में था तो हमारा एम यही था कि जो भी मतलब जिनको एजुकेशन मिलने में प्रॉब्लम होता है एजुकेशन रिलेटेड स्टेशनरी नोटबुक पेन पट्टी पेंसिल जो भी रहता है उनको प्रोवाइड करने का okay. तो उनको एजुकेशन में जो भी मतलब प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व करने की ये हमारा एम था तो उस टाइम पे हमने जुनून फाउंडेशन चालू कर दिया तो जुनून फाउंडेशन के मोस्टली चार इवेंट होते हैं ट्री प्लांटेशन बुक डोनेशन दान उत्सव दान उत्सव ना दान उत्सव हाँ दान उत्सव पूरे इंडिया में सेलिब्रेट होता है जैसे दिवाली लोग सेलिब्रेट करते हैं वैसे दान उत्सव सेलिब्रेट होता है दो अक्टूबर से लेकर आठ अक्टूबर के बीच में सेलिब्रेटी लोग वगैरह भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें मोस्टली क्या होता है ना अपने पास जो रहता है वो दान करना है अगर आप मेरे पास एक बैग है स्कूल बैग है जो मैं यूज नहीं करता हूँ तो जिसको नीड है उसको डोनेट करने का दान करने का किसको दान? बोलते हैं दान उत्सव दान उत्सव तो इसमें जुनून फाउंडेशन का इवेंट होता है दान उत्सव करके तो हम लोग आ, स्कूल में जाते दस बारह स्कूल लेते वहाँ पर सर्वे करते उनको पूछते कि आपको क्या नीड है मतलब किसकी नीड है नोटबुक कुछ आ, कुछ बच्चों लोगों को शूज चाहिए रहते हैं तो हम उनको शूज देते हैं तो ये हमारा एक इवेंट रहता है ट्री प्लांटेशन हो गया दान उत्सव हो गया करियर गाइडेंस हम देते हैं ओके टेन के बच्चों लोगों को कि आगे जाके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है कौन से कौन से कोर्सेस लेने हैं एंड अभी मैंने चालू किया है वी बाइसिकल प्रोजेक्ट okay. तो उसकी एक स्टोरी है हाँ। मैं साइकिलिंग कर रहा था ओके okay. गारगाव जा रहा था घारगाव बहुत ही अच्छा विलेज है मतलब कैसा है ना ये बीच में वाड़ा है और उसके आजू बाजू में ऐसे छोटे छोटे विलेजेस है तो गारगा वाड़ा से फिफ्टीन किलोमीटर्स पर है तो मेरा डेली रूट है मैं मतलब वाड़ा जाता हूँ तो मैं साइकिलिंग उधर ही करने जाता हूँ फिफ्टीन किलोमीटर तो मैं साइकिलिंग कर रहा था तो वहाँ पे मेरे को एक बच्चा दिखा ओके okay. तो थोड़ा क्रिएटिव था उसकी साइकिल थी छोटी थी हाँ. उसको हैंडल बार नहीं था उसने स्टिक लगाया था बाबू स्टिक <laughs> <Okay>. हैंडल बार <laughs> उसका हैंडल बार टूट गया था हाँ. तो उसने बाम्बू स्टिक लगाया था साइकिल को ब्रेक्स भी नहीं थे oh. वो पैर से साइकिल स्टॉप करता था तो वीडियो लिया मैंने और पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया के स्टोरी में डाला बहुत सारे लोगों ने देखा तो एक लड़की ने वो स्टोरी देखी व्यूवर ने उसका नाम नहीं मेरे को याद तो उसने उस लड़के को साइकिल गिफ्ट देने का डिसाइड किया तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि यार इसको अभी साइकल मिलने वाला है उससे ज्यादा तो मैं खुश हो गया <laughs> यार अभी इसको साइकिल मिलेगा तो वो साइकिल आ गई तो मैंने थोड़ा सोचा कि इसको थोड़ा डॉक्यूमेंट्री टाइप में बनाते साइकिल कैसे मिला क्यों डोनेट कर रहे वो पूरा वीडियो मैंने वापस से डाला वो मैंने रील डाल दिया और कुछ आपके ट्रेल, के ट्रेल, okay. बेस के okay. ट्रेल बेस, बेस पेज को रीच बहुत था हा, हा, हा। जब मैंने सब वीडियो वगैरह डाला तो रील इतनी वायरल हो गई कि मेरे को पूरी इंडिया से थर्टी साइकिल्स आए मतलब डोनेशन मेरे को आया कि दे दो साइकिल को तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि अब ये साइकिल देना किसको किसी को ऊपर तो नहीं दे सकते ना साइकिल थर्टी साइकिल्स मेरे पास आए तो जिसको एग्जैक्टली exactly नीड है उसको ही मेरे को साइकिल देना था तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो ओगदा करके एक गाँव है ओगदा वाटरफॉल करके फेमस है तो वहाँ पे जो बच्चे लोग हैं वो ओगदा स्कूल से पाँच छः किलोमीटर दूर रहते तो उनको चल आ, मतलब आने जाने में ऑलमोस्ट टू थ्री आवर्स लग जाते अगर आपको दस बजे स्कूल है तो लोग निकलते थे आठ सात बजे मॉर्निंग में अगर उनका स्कूल पाँच बजे छुटने वाला है तो वो निकलते थे तीन बजे ही स्कूल मिस कर लेते क्योंकि इतना दूर चल के जाना रात को नहीं चल के जा सकते थे क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो मैंने उनको सब साइकिल दे दिया तो अभी वो डेली साइकिलिंग से स्कूल को आते जाते उनका स्कूल मिस नहीं होता है उनका लाइफ कितना सिंपल हो गया सिंपल एक साइकिल की वजह से हाँ। तो जो एक स्टोरी से स्टार्ट हुआ आज उससे आपको 1.5 लाख डोनेशन साइकिल्स वो कितना ट्रांजिशन हो गया इन कितनी बड़ी चीज़ में ऐसे बहुत बच्चे हाँ। जिनको अभी तक साइकिल मिलना बाकी है जो लोग 10 12 किलोमीटर चल के भी आते हैं जितना तो हम भी नहीं चलते मतलब उनका दिन का ऑलमोस्ट टेन ट्वेल्व किलोमीटर ऐसे ही हो जाता है वॉक तो अगर उनको साइकिल दिया जाए ना तो उनका वो टाइम बच जाएगा और वो टाइम बच कर स्टडी करेंगे कुछ दूसरा काम करेंगे उनका स्कूल मिस नहीं होगा तो मेन एम यही था कि उनको एजुकेशन में कुछ तकलीफ ना आएगी प्रॉब्लम नहीं आएगा तो जुनून फाउंडेशन का मेन कोर यही है कि एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम आता है वो सॉल्व करना है तो मैंने ये एक इवेंट ऐड कर दिया तो लास्ट ईयर मेरा एक पहला इवेंट था ड्री बाइसिकल प्रोजेक्ट अभी सेकंड ईयर आने वाला है तो अभी उसका वापस प्रमोशन चालू करना है क्योंकि कैसा है ना हमको फंडिंग नहीं आता जुनून फाउंडेशन अभी तक रजिस्टर नहीं है अभी ऑलमोस्ट फिफ्टीन ईयर्स हो गए लेकिन हमने अभी रजिस्टर किया नहीं क्योंकि हम लोग सब ऐसे ही फ्रेंड्स है कोई जॉब करता है तो कोई हंड्रेड परसेंट नहीं दे सकता जुनून फाउंडेशन को जब इवेंट रहता है तभी सब आते हैं वर्कआउट करते हैं इवेंट हो जाता है जब आपको इतना क्राउड फंडिंग मिला एंड लोगों ने साइकिल्स डोनेट किए आपने उसको कैसे मैनेज किया विथ लिमिटेड रिसोर्स यू नो सिटिंग इन वाड़ा पूरा लॉजिस्टिक्स एंड यू नो और बाइसिकल्स कमिंग ऑन टाइम उनका डिलीवरी ये पूरा आपने कैसे हैंडल किया किस किस का हेल्प लिया क्या चैलेंजेस आई थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए क्योंकि बोलने के लिए तो इट इज़ वेरी सिंपल कि लोगों ने रील देखा थर्टी साइकिल्स हमें मिली बट हाउ डिड एंटायर थिंग टेक प्लेस टेल एस अबाउट दैट तो जून फाउंडेशन में जितने भी अभी को वॉल्टियर्स है वो सब वाड़ा के ही है ओके okay. तो so, उन्होंने वाड़ा देखा है वाड़ा के बच्चे देखे hmm. कि उनको क्या नीड है उनका भी मतलब पूरा बचपन उधर ही गया है तो so, उनको एग्जैक्टली मालूम है क्या करना है कैसा हैंडल करना है कहाँ से ऑर्डर करना है तो so, हमने जो पहली साइकिल मंगाई थी वो एमेजोन से मंगाई थी तो so, ऑब्वियसली उसका डिलीवरी तो घर पे आ गया ओके okay तो हमने थर्टी साइकिल्स मंगवा लिए वाडा में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स है तो हम सब लोगों ने वो साइकिल असम्बल किया hmm. तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो करने में भी बहुत मजा आता है साइकिल hmm. ऑर्डर करना सबका <laughs> डोनेशन डालने का right. अभी हमको पांच साइकिल कम पड़ रही है okay. तो हमारे खुद से मतलब पैसे देकर वो साइकिल परचेस बाय करने का hmm. तो हम सब फिफ्टी वॉल्टियर्स है तो फिफ्टी वॉल्टियर्स तो डोनेशन निकालते कुछ फाइव थाउजेंड डालता है कुछ फाइव हंड्रेड डालता है दिस इज अ टेस्टिमेंट एंटायर स्टोरी विच वी जस्ट पोक ऑन इट इज अ टेस्टिवेंट दैट हाउ अ बाइसिकल इज अकिलो टूल फॉर एजुकेशन टूड यू हैव मेड द लाइफ सिंपल ऑफ सो मेनी चिल्ड्रेन हु वॉन्ट टू गो टू स्कूल बट यू नो दे हैव टू वर्क फॉर आवर्स टू एंड फो टू गेट अ बेसिक एजुकेशन विच अ साइकिल हैज सोल्व इन अ जिफी यू नो दैट इज वॉट साइकिल एज अ टूल पीपल हैव हैव एंड यू एनेबल्ड दैट नाउ गोइंग अहेड

तो जो बच्चे लोग हैं जिनके पास साइकिलिंग नहीं है जिनको साइकिलिंग में आना भी नहीं है तो वो इवेंट देख के थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे कि यार नेक्स्ट ईयर मेरे को इसमें जाना है मेरे को इवेंट में जाना है जैसा मैं मोटिवेट हुआ था मेरे पास जब एम भी था जब मैं साइक्लोसोन में जाता था तो वहाँ पर जो रेसेस होते थे तो मेरे को ऐसा लगता कि यार मेरे पास अभी रोड बाइक चाहिए राइट तो रोड बाइक लेने के लिए मैंने सब ट्राई किया सेविंग सेविंग करना मैंने चालू कर दिया हाँ तो मैंने जैसे जैसे मतलब मैंने जो चैलेंजेस फेस किए मेरे को साइकिल लेना है तो मेरे को इतना सेविंग करना है अभी मेरे को इवेंट नेक्स्ट ईयर इवेंट आने वाला है तो उसमें मेरे को जितना ही है तो मैंने जो सेविंग है वो बढ़ाया उसमें से रोड बाइक लिया तो अगर मैं इवेंट रखता हूँ वाडा में तो उससे भी मेरे जैसे बहुत सारे लोग मोटिवेट हो जाएंगे बच्चे ओके तो ये एक मेरा है जिसको मैं मतलब अभी थोड़ा माइंड में रख रहा हूँ पर मेरे को तो उसके लिए थोड़ा लगेगा डोनेशन लगेगा मैं थोड़ा देख रहा हूँ कौन मेरे को हेल्प करेगा mm -hmm. तो इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर कोई हेल्प करना चाहेगा 100%. तो ऑब्वियसली वाडा में एक इवेंट रख सकते हैं क्योंकि वाडा में ट्रेल्स बहुत है रोड्स भी अच्छे एकदम दैट्स ग्रेट टू नो नो दैट यू द जुनून फाउंडेशन एंड विध योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु आर आर ऑल फ्रॉम वाड़ा यू मेकिंग द लाइव एंड टचिंग द लाइव ऑफ दीज यंग चिल्ड्रेन उनका लाइफ काफी ईजी हो रहा है एंड दे दे देर समथिंग टू लुक फॉर टू टू डे वेन दे लुक एट यू

See, अभी तो मतलब एकदम प्राउड फील होता है yeah. थाने में भी बहुत सारे रेसेस हुए उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया उसमें मेरा फर्स्ट नंबर आया सेकेंड नंबर आया hmm. तो जब भी मैं वाड़ा में बोलता, बताता हूँ ना तो मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि मैं वाड़ा को प्रमोट कर रहा हूँ राइट राइट क्योंकि वाड़ा को कोई जानता ही नहीं है राइट right. वाड़ा इतना ब्यूटीफुल है या किसी को मालूम भी नहीं है तो अच्छा लगता है ये जो पूरा स्टोरी है देर सो मच टू लर्न फ्रॉम द बाइसिकल प्रोजेक्ट एंड इट इज जस्ट द बिगिनिंग इट इज जस्ट द फर्स्ट ईयर ऑफ द बाइसिकल एंड नाउ नाउन टू सीजन एंड आई एम श्योर यू नो दिस हैॉडकास्ट देर मेनी पीपल हु आर गोइंग टू विजिट योर पेज एंड सी मोर अबाउट द वर्क दैट यू बिन डूइंग Because today, in today's day and age, it is a world of content. People sitting in their homes, you know, they are ready to spend if there is someone who is making use of that money in a very organic, authentic, and in a very honest and open way. There are people who, who want to fund that. So I think money is going to flow uh, in more new directions once people come to know about the work, the kind of honest work, and kind of, uh, you know, people impact. And as a community leader, you are doing uh, in the city of Vada, which is now going to create a ripple effect in other cities also uh, across India. Because today, you know, 70% of our population is still uh, village. And that is uh, where, uh, you know, the fundamentals of India are, where the major people of India are. How much ever dig digitalization, urbanization happens, villages is where the people are, where the uh, money is, you know. एंड साइकिल इज सच अ थिंग विच इज सो क्लोज टू ऑल ऑफ अस जब बच्चा बड़ा होता है वो साइकिल का वो बैग पकड़ता है और <laughs> साइकिलो वो दोनों चीज हंड्रेड परसेंट है तो Bravare. वो डिरेक्शन जब ऐसा स्टोरी सुनेगा वो डेफिनेटली ही चार्टर इज ओन कोर्स एंड वॉन्ट टू साइकिल नॉट ओनली टिल द एज ऑफ टेन फिफ्टीन बट ऑल्सो इन लाइफ सो दैट इज वॉट आई रियली Uh, strongly you know i can foresee that that is what tomorrow we'll have someone sitting on this chair hmm. 20 years later saying that you know i was inspired by vid nikam uh, <laughs> yes, yes. to pursue cycling nahi yaar matlab acha hai kyunki mere ko aisa lagta hai ki जो village में power है ना वो city में नहीं है अगर village आपका grow होगा ना तो India grow होगा तो आपको village में ही पहले काम करना है तो विलेज कैसे आप ग्रो करें तो उनको एजुकेशन देना है अच्छा एजुकेशन देना है अभी कैसा है ना सबके पास मोबाइल आ गया है तो लोग इतना जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना तो इन्फ्लुएंस हो जाने दो लेकिन वो अच्छा कंटेंट लेके इन्फ्लुएंस हो जाना चाहिए तो मैं ट्रेल बेस के थ्रू मोस्टली साइकिलिंग का ही कंटेंट डालता हूँ साइकिलिंग रनिंग मेरे मेरे पेज के थ्रू मतलब जो मेरा पर्सनल पेज है उसके ऊपर भी मैं साइकिलिंग का ही कंटेंट डालता हूँ क्योंकि कैसा है ना मेरा जो क्राउड है ना वो मोस्टली विलेज का क्राउड है विलेज के बच्चे लोग हैं वो देखते हैं चलो तुमको स्टाइल मारना है ना तुम साइकिल लो स्टाइल मारो आईफोन लेके कुछ नहीं होने वाला ए लेके कुछ नहीं होने वाला आप साइकिल लो स्टंट मारो जो करना है वो करो लेकिन साइकिल लो क्योंकि कैसा है ना आप एक बार साइकिल लेते हो ना तो आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है जैसा मेरे साथ अभी हुआ है हो रहा है हंड्रेड परसेंट मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अभी इधर आके बैठूंगा स्कॉट के साथ पॉडकास्ट करूंगा क्योंकि ये मेरा ड्रीम था ड्रीम मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब इधर आके बात करूंगा मेरे गांव में अभी ये पॉडकास्ट सुनाई जाएगा मतलब देखेंगे स्कूल में देखेंगे बच्चे लोग तो साइकिलिंग आपकी लाइफ चेंज कर देगा साइकिलिंग मतलब आपको एक नया लाइफ देगा जैसा मेरे को दिया तो मैं मोस्टली यही प्रमोट करता हूँ आप साइकिल ले लो आपका फ्यूचर बन जाएगा आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी नो आई मीन वेद अ लिविंग एग्जाम्पल यू नो सिंपल टू व्हील मशीन कैन टेक यू टू प्लेसेस नहीं जो विलेज में जो मैंटेलिटी है ना विलेज के भी कुछ गलती नहीं है क्योंकि विलेज को इतना सोर्स मिलता ही नहीं कि वो ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाए तो जैसा मेरे साथ हुआ था कि साइकिलिंग सिर्फ जो काम के लिए लोग हैं वही यूज कर सकते हैं दूध के लिए स्कूल जाने के लिए छोटे बच्चे लोग तो ये मेंटेलिटी सब विलेज में चेंज होनी चाहिए तब जाकर ये स्पोर्ट आगे बढ़ने वाला है साइकिलिंग का स्पोर्ट्स तो बस यही मेरा ट्राई रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा विलेज तक मैं पहुंच पाऊँ ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मैं पहुंच पाऊ साइकिलिंग को प्रमोट कर पाऊँ विद डज द नो शॉर्टकट फिलोसफी मीन टू यू जो मीनिंग है नो no शॉर्टकट का इसमें पूरा जब जो मेरा साइकिलिंग का आता है वो आता है आपको ही करना पड़ेगा दूसरा कोई आपके लिए करेगा नहीं <laughs> अगर आपको विन होना है तो कुछ लाइफ में करना है तो hmm. तो ये जो नो शॉर्टकट लाइन है ना टैग लाइन है ना ये बहुत अच्छा है मतलब इट इज You are, uh, you know, the navigator of your own ship. Yes, sir. Yes, you have yes. to cross the waters and make it happen. कोई आपको help yeah. करने के लिए नहीं आने वाला है, and आप ऐसा सोचो भी मत कि कुछ shortcut लेके मैं आगे जाऊंगा. तो so there is no shortcut. Right. आपको मेहनत लेना है. बस. So that's है. great to know about your philosophy, your meaning of no shortcuts. Uh, you know at Scott, that is our tagline, no shortcuts. Yes, sir. Yes. You know it takes lot of effort to achieve something, and there are no shortcuts to success. Okay.

अभी मेरे को अभी पता चला कि मैं साइकिलिंग में अगर अच्छा कर सकता हूँ तो मैं इस साइकिलिंग स्पोर्ट में हीरो बन सकता हूँ तो आप जितना जल्दी पहचान पाओगे कि आपको क्या करना है उतना जल्दी आपको फ़ायदा होने वाला है किसी का सुनो मत घर वाले आपको बोल रहे हैं कि आप डॉक्टर बनो आप इंजीनियरिंग बनो तो उनका भी सुनो मत आप उनको एक्सप्लेन करो कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है आप कौन से फील्ड में अच्छा कर सकते हो अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स में ही जाओ तो जो आपको करना है जो आपका मन बोले वही करो बाकी इधर उधर 100% with. I think uh, the entire team at Scott. We wish you more power, more energy, uh, more funding from uh, all across India, from the world. Yes, yes, Already yes. you've got a knock knock from the world, and yes, yes. you know soon many people are going to walk into the door of Trailblazers and visit Vada. We hope that so, via this platform uh, we have more eyeballs and we create more noise about what. A village holds and what is the power of cycling? Yes, yes. Not only uh, for health, but also education and via the Junun Foundation. I think you are moving mountains and creating mm -hmm. huge waves. Yes, yes, So, all the best to you from us. Thank you so much for being here today. Thank you. Thank you. Thank you, Parth. Thank you. So, that was the end of the episode two. Uh, thank you for joining in, guys. Uh, We'd love to know what you thought about the episode. So, please feel free to put in the comments below. And, uh, big thanks to our uh, friends at EPLOG Media who produce this show, and uh, don't forget to hit the subscribe button.